सेफ्टी फर्स्ट। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी जरूर देखना। क्योंकि गाइस यार, आज के इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से हमारे पास है ये मॉन्स्टर मैग्नेट, और इसके साथ में दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चीजों में से एक फेरो फ्लूइड। गाइस, फेरो फ्लूइड बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। अगर आंखों में चला जाए तो अंधा कर सकता है, और किसी दूसरी जगह पे लग जाए तो खुजली हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं। इसी वजह से सेफ्टी का हमें पूरा ख्याल रखना होगा। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्लियर वार्निंग्स भी लिखी हुई है, लेकिन जितना ये खतरनाक है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा ये चीज़ कमाल की है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मिक्स करने वाले हैं फेरो फ्लूइड वर्सेस मॉन्स्टर मैग्नेट। जी हाँ, रोल द इंट्रो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, करो प्लीज करो यार। ऐसे खतरनाक चीजों के साथ में खेलते हैं, नई नई चीजें आपके लिए लेके आते हैं। क्यों? ताकि नए लोगों के पास जाए, और आपको जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो फ्री के अंदर नोटिफिकेशन मिले, आप देख पाए। अरे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, दबा दो लाल कलर का बटन और इस वीडियो कर दो लाइक। कर दो यार, कर दो, अब तो कर दो। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस फेरो फ्लूइड की शीशी को खोल देता हूँ। गाइज यार, ये चीज़ खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा महंगी भी है। ये इतनी सी बोतल लगभग 3000 रुपए के आसपास में है। तो मैं यहाँ पर फेरो फ्लूइड को इस चीज़ के अंदर डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का है फेरो फ्लूइड। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मोटर गाड़ी या फिर कोई व्हीकल का जला हुआ ऑयल हो, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंजेक्शन की मदद से इस फेरो फ्लूइड को इसके अंदर भर लेता हूँ। बस अब अगर इस इंजेक्शन को मैं किसी के इंसान के अंदर ठोक दूँ तो उसकी मौत तय है। ये बढ़िया था वो। हालांकि हम ऐसा नहीं करेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अभी मेरे पास देखो, ये एक नट बोल्ट है और ये मॉन्स्टर मैग्नेट है। तो सीधा ही फेरो फ्लूइड को मॉन्स्टर मैग्नेट से नहीं मिलाते हैं, पहले क्या करते हैं, इस बैटरी डिश को इसके ऊपर रखते हैं कुछ इस तरीके से, और अब जो है इस नट बोल्ट को भी इसके ऊपर रखते हैं बिल्कुल प्यार से, क्योंकि ये कांच को फोड़ सकता है। गाइस अब देखना जादू। अभी मेरे पास ये है फेरो फ्लूइड, अभी देखना बिल्कुल ध्यान से, देखना धीरे धीरे देखते जाओ। देखो वाओ गाइस, देखो डिजाइंस, देखो वो गाइस, देखो गाइस, देखो नीचे नीचे देखो गाइस, ओ माय गॉड गाइस, देखो मॉन्स्टर मैग्नेट और इसके बीच की रिएक्शन। डिजाइंस देखो, किस तरीके के पैटर्न यहाँ पर बने हैं जब मैंने इस तरीके का, ये देखो यार, कोई इंसान भी इतनी खूबसूरत डिजाइन नहीं बना सकता है। बिल्कुल कमल के जैसे ये चीज खिल गई है, और जो पैटर्न है वो यकीनन इस वीडियो को लाइक करने लायक है। वाह है ना गाइस, ऑसम यार, शानदार। देखो गाइस, अगर मैं इसे घुमाऊं तो ये देखो, ये घूम रहा है किसी बॉल की तरह, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अगर मैं इसे टच करता हूँ तब देखना क्या होता है। वाओ गाइस यार, मैं इसे टच कर रहा हूँ, नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये किसी स्पंज की तरह फिर से खड़ा हो रहा है। कमाल है। ये देखो, मैं इसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो मैं इसे पिचकाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये पिचक नहीं रहा है, बल्कि वैसा का वैसा ही बना हुआ है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो मैं इस नट बोल्ट को इस चीज़ से छुड़ा लेता हूँ, और जैसे ही मैं इससे छुड़ाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है इसको इससे छुड़ाना, लेकिन मैं छुड़ा लूँगा। जैसे ही मैंने इसे छुड़ाया, आप देख सकते हैं, ओह भैंस की टांग, अच्छा हुआ कि पैटरी डिश फटी नहीं, वरना फूटी जाती थी लगभग। अभी देखो गाइस, ये देखो किस तरीके से जो फेरो फ्लूइड है वो अट्रैक्ट हो रहा है, और नट के ऊपर जो डिज़ाइंस बनी थी अभी वो डिज़ाइंस नहीं बची है। ऑलराइट गाइस, तो इसे अलग करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये चीज़ ही इससे चिपक गई है। नहीं, फैलना मत, ये ठीक है गाइस। अभी मॉन्स्टर मैग्नेट को एक तरफ रखते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा और फेरो फ्लूइड डालते हैं, ठीक है। राइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने काफ़ी सारा फेरो फ्लूइड डाल दिया है, और अब देखना मैजिक। मैं इसे रखता हूँ साइड के अंदर और मॉन्स्टर मैग्नेट को रखता हूँ बीच के अंदर, और अभी जैसे ही मैं इस चीज़ को इसके ऊपर लेके जाता हूँ, फिर देखना क्या होता है। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, पहले आपको मैं छोटी मैग्नेट से ट्राई करके दिखाता हूँ, है ना। मॉन्स्टर मैग्नेट को बाद में करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक छोटी सी मैग्नेट है, अगर इसके नीचे लेके जाते हैं तब देखना क्या होता है। वो गाइस देखो, छोटी मैग्नेट ने कमल बना दिया है, देखो। वाह यार गाइस देखो क्या बात है, और जिधर जिधर मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ, ये जो कमल है ये भी मूव कर रहा है, क्या बात है यार, मस्त है। तो गाइस छोटी मैग्नेट के साथ में ये हुआ, अभी लाते हैं मॉन्स्टर मैग्नेट को, और अब देखना गाइस जैसे ही मैं मॉन्स्टर मैग्नेट के ऊपर फेरो फ्लूइड को लेके जाता हूँ, तब देखना क्या होता है। 1 2 3 गाइस दिस इज इनसेन, भाई साहब ये देखो, ओ भाई देखो गाइस कैसे पैटर्न जो है फेरो फ्लूइड के अंदर बनना स्टार्ट हो चुके हैं, देखो। और जैसे जैसे मैं इसे मैग्नेट के करीब लेके जा रहा हूँ, वैसे वैसे जो पैटर्न है वो और भी ज़्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं, ये देखो। ओह शिट गाइस देखो, जैसे जैसे मैं करीब लेके जा रहा हूँ, ये देखो डिज़ाइंस चेंज होती जा रही है। ओह शिट, इसने मॉन्स्टर मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लिया है, ये देखो, और जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके की बनी है, और अगर मैं इसे टच करूं तब देखना क्या होता है, ये देखो। वाह, ये मुझे चुभ नहीं रहे गाइस, देखने में भले ही ये कांटे लग रहे हैं लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा है, देखो। वाह गाइस देखो, है ना काफ़ी कमाल की चीज़ यार, देखो। ओह, और जैसे जैसे ऊपर लाते हैं बड़े स्पाइक्स बनते हैं, जैसे जैसे नीचे लाते हैं छोटे स्पाइक्स बनते हैं, गाइस देखा आपने। वाह ऑलराइट गाइस, अब इस एक्सपेरिमेंट को और भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस फेरो फ्लूइड को इस टेबल पे ढोल दे रहा हूँ, और इस टेबल के नीचे से ही इस मॉन्स्टर मैग्नेट को लेके जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गिरा दिया है और मैं नीचे मॉन्स्टर मैग्नेट लेके जा रहा हूँ, 1 2 3 देखना। गाइस देखो टेबल के नीचे से भी ये चीज़ काम कर रही है, ये देखो इसके अंदर स्पाइक्स बन रहे हैं, और मैं इसको जिधर लेके जा रहा हूँ ये उधर जा रहा है, ये देखो। वाह यार जादू हो गया, ये देखो पूरी टेबल किस तरीके से पेंट हो रही है गाइस, देखो। गाइस देखो किस तरीके से पूरी टेबल को मैं पेंट कर पा रहा हूँ नीचे से, और कितने शानदार तरीके से, देखो पूरी टेबल ब्लैक पेंट हो रही है, ये देखो फेरो फ्लूइड खत्म होता जा रहा है और टेबल पेंट होती जा रही है, यानी कि ये पूरा इस टेबल पर फैल रहा है गाइस, यार है ना मस्त चीज़। अगर इस तरीके का पेंट का सिस्टम हो तो कितना मस्त होने, इस तरीके से बस मैग्नेट से इस तरीके से शानदार तरीके से डिजाइंस बनाते जाओ, टेबल को पेंट करते जाओ, ये देखो अभी ये खत्म हो रहा है, अब धीरे धीरे देखो गाइस आपने, अभी तो वीडियो को लाइक करना बनता है यार, और जैसे छोड़ दिया खत्म। अब जो है इस एक्सपेरिमेंट को इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाते हैं, मेरे पास यहाँ पर और फेरो फ्लूइड है थोड़ा सा, इसे भी खर्च करते हैं, नुकसान होगा तो होगा, लेकिन आपको कोई नई चीज़ तो देखने को मिलेगी कम से कम। गाइस बहुत ज़्यादा स्लिपरी है यार, ये देखो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, ये देखो इन दोनों के बीच के अंदर अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसको इधर रखते हैं, देखना। अभी गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, इस फेरो फ्लूइड को सीधा ही इस मॉन्स्टर मैग्नेट के ऊपर डाल रहा हूँ, और फिर देखना क्या होता है, ठीक है गाइस देखना। ओह गाइस देखो आपने, ओ भैंस की टांग, देखो किस तरीके से ये, मैं गिरा नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं गिरा रहा हूँ, बोतल सीधी है, लेकिन ये मॉन्स्टर मैग्नेट इस फेरो फ्लूइड को खींच रही है, ये देखो अपने आप ही।
और फैलती जा रही है इसके ऊपर। ओ शिट, गाइस देखा आपने, अबे अपने आप जा रही है गाइस, अपने आप जा रही है। अरे भाई भाई रुक जाओ, अबे ये क्या हो रहा है गाइस, ये अपने आप ही खिसक रही है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप चल रही है। अबे किधर जा रही है गाइस, देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अबे गिर जाएगी, गिर जाएगी, ओ गिर गई। A few moments later. खत्म। तो गाइस देखो, यहाँ पर हमारी जो मॉन्स्टर मैग्नेट है वो जीरो फ्रिक्शन के अंदर है, यानी कि इसके अंदर अभी बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, जीरो फ्रिक्शन। गाइस देखो, और ये जो फेरो फ्लूइड है ये इसके ऊपर किस तरीके से चिपक गया है ये देखो, और मैं इसके ऊपर पिंच कर रहा हूँ तो देखो, ओ भाई काफी गदगदा फील हो रहा है यार। ये देखो मैं इसे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हट रहा है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। ये देखो मैं इसे पिंच कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हट रहा है। तो गाइस यार ये होता है जब हम मॉन्स्टर मैग्नेट को फेरो फ्लूइड के साथ में मिलाते हैं, तबाही हो जाती है तबाही। ये आपके लिए गाइस, ये आई लव यू, यू ऐसा बना देते हैं गाइस, आई लव यू। अभी ये काम करते हैं गाइस, इसको मिट्टी के अंदर चला के देखते हैं, क्या पता मिट्टी के अंदर ये चीज़ हट जाए या फिर नहीं हटती है, देखते हैं मिट्टी के अंदर क्या होता है ना। ओ गाइस मिट्टी के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा स्लिप, ओ ये क्या हो गया गाइस, कादा कीचड़ इकट्ठा हो गया गाइस, ये क्या हो गया देखो, फेरो फ्लूइड का क्या हो गया देखो। ओ वाह गाइस ये तो अलग ही सीन हो गया यार, ये देखना अभी देखना मैं इसको निकालता हूँ बाहर, ये देखो। ओ भाई ये देखो क्या कर, क्या हो गया ये देखो गाइस, पूरा कादे में कीचड़ हो गया, इसने मिट्टी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करके मजबूत सा कोई सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है, क्योंकि मिट्टी के अंदर भी आयरन है ना इस वजह से, तो इस तरीके से अपन इसे हटा पा रहे हैं। ये देखो वरना नहीं हट रहा था लेकिन ऐसे हट रहा है देखो, मतलब कि मिट्टी जो है वो फेरो फ्लूइड की दुश्मन है ये देखो, लेकिन मिट्टी का कलर कैसा हो गया, और मिट्टी भी अट्रैक्ट हो रही है गाइस, देखना मिट्टी अट्रैक्ट हो रही है देखो गाइस, देखो ये देखना, ये देखो मिट्टी ही अट्रैक्ट होने लग गई। तो गाइस यार ये होता है जब हम मॉन्स्टर मैग्नेट और फेरो फ्लूइड को मिलाते हैं। गाइज यार मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर अभी तक बहुत सारी कमाल की चीज़ें देखी है, लेकिन ये भी बहुत सारी कमाल की चीज़ों के अंदर से एक है, फेरो फ्लूइड वर्सेस मॉन्स्टर मैग्नेट। तो गाइज यार आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा जरूर लगा होगा, मुझे इस चंबुक की सफाई करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आई लव यू गाइज, लव यू सो मच। टेबल गई रे, ओ मैन।